नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्वागत है आपका आपके अपने महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल कॉमचेरिया में। जो विद्यार्थी नए हो कृपया कॉमचेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इंडियन पॉलिटी के बहुत ही रोचक लेक्चर देते हैं। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 18 अक्टूबर 2010 को इसको बोलते हैं NGT, शॉर्ट में NGT एक्ट। 18 अक्टूबर 2010 को NGT एक्ट 2010 के तहत NGT का गठन किया गया। शॉर्ट में पढ़ेंगे आपको ज्यादा याद होगा। 18 अक्टूबर 2010 को NGT एक्ट 2010 के तहत NGT का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ये एक सांविधिक व अर्ध न्यायिक, ये सांविधिक व अर्ध न्यायिक निकाय है। ध्यान दीजिए, जिसका उद्देश्य है, एम क्या है इसका, क्यों NGT का गठन किया गया। अब ये एम आएगा कि पर्यावरण संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामले, से जुड़े मामलों का प्रभावी और तीव्र निस्तारण करना। मतलब कंक्लूजन, किसी भी समस्या का, किसी भी क्वेरी का निस्तारण करते हैं। निस्तारण करने के बाद फीडबैक मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं अपनी प्रणालियों में, ये नई प्रणालियां चली हैं, या फीडबैक लेते हैं, समस्या देते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये एक तरह के रिजोल्यूशन है, निस्तारण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित, हरित का मतलब हरियाली, मतलब हरा भरा। ट्रिब्यूनल का मतलब अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया। यह एक प्रकार का सांविधिक और अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों का प्रभावी और तीव्र तरीके से निस्तारण करना। ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर, देखिए नई दिल्ली और दिल्ली दो चीज है, तो नई दिल्ली याद रखिएगा, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को नई दिल्ली बताया गया है, जैसा कि आपको पता होगा, आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं। तथा इसकी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, और इसकी 4 सहयोगात्मक, साथ साथ जो सहयोग करते हैं, इनकी 4 सहयोगात्मक पीठ है, पीठें जहां पे काम करती हैं, इनका एक तरह से सब हेडक्वार्टर की तरह से होगा। पहली पीठ है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का भोपाल में, दूसरी पीठ है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का पुणे में, तीसरी पीठ है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कोलकाता में, और चौथी पीठ है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का वह चेन्नई में है। कहां कहां है? 18 अक्टूबर 2010 को NGT एक्ट 2010 के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 18 अक्टूबर 2010, द एक्ट ऑफ NGT 2010, दिस इज अ स्टैट्यूटरी एंड सेमी, ये अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामले का प्रभावी और तीव्र तरीके से रिजोल्यूशन करना, रिजॉल्व करना, निस्तारण करना। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, और इसका 4 सहयोगात्मक इसकी पीठें हैं, जो कि भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में। इस ट्रिब्यूनल में अधिकतम, इस ट्रिब्यूनल में अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य
20 पूर्णकालिक सदस्य, इसका मतलब आपको पता होगा पूरी तरीके से ड्यूटी करने वाले हैं, हमेशा पूरे वर्ष ड्यूटी करते हैं 20 पूर्णकालिक सदस्य। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति बारे में जाने तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। आप देखिए क्या होता है कि इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 20 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? देखिए क्वेश्चन यही से आया होगा, एनजीटी में अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिसमें 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से, सदस्यों में 10 सदस्य, देखिए 20 सदस्य थे, 10 सदस्य कहां से हैं? ध्यान दीजिए, न्यायिक क्षेत्र, क्योंकि अर्धन्यायिक निकाय है, न्यायिक क्षेत्रों से और तथा का मतलब और, इसके बाद जोड़ रहे हैं इसमें हम कुछ बातों को, और 10 सदस्य 10 मेंबर्स जो होंगे पर्यावरण एनवायरमेंट, पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ के विभिन्न क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ होंगे। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, और टुडेज लेक्चर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण 18th of 2010 को एनजीटी एक्ट 2010 के तहत एनजीटी का गठन किया गया। ये एक तरह का सांविधिक और अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका एम है पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों का प्रभावी और तीव्र निस्तारण करना है, और एनजीटी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और इसकी चार सहयोगात्मक पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। इसमें अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य जिनकी नियुक्तियां केंद्र सरकार करती है। इसमें से किस तरह से डिवाइडेशन है? सदस्यों में 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से, 20 पूर्णकालिक सदस्य में से 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से, 10 सदस्य पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, और इनके अध्यक्ष, एनजीटी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट किसी विशिष्ट ज्ञान वाले किसी विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति को अधिकरण में आमंत्रित कर सकता है। अधिकरण ट्रिब्यूनल में आमंत्रित कर सकता है। इसका जो एनजीटी का प्रेसिडेंट होता है किसी विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति को अधिकरण में यानी ट्रिब्यूनल में आमंत्रित कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, यहां कानून की बातें आ जाएंगी, सिविल प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत ट्रिब्यूनल को, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ट्रिब्यूनल को सिविल कोड का दर्जा प्रदान किया गया है। सिविल कोड, इसके डिसीजंस जस्ट लाइक अ सिविल कोर्ट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, सिविल कोर्टों का दर्जा दिया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, सिविल कोर्ट के बराबर का दर्जा दिया गया है, और इसके तहत करते क्या है, किस तरीके का, इसके तहत थ्रू दिस अधिकरण की शक्तियां हैं, इसके तहत अधिकरण के पास शक्तियां हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, या क्लेरिफाई शक्तियां हैं, शक्तियां क्या हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण 18th of 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। ये एक तरह की स्टेचुरी सेमी जुडिशियल बॉडी है, ये एक सांविधिक और अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका एम है पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों का प्रभावी और तीव्र निस्तारण करना,
इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चार तरह की सहयोगात्मक पीठें इसके साथ हैं। पहली इसकी पीठ है भोपाल में, दूसरी सहयोगात्मक पीठ एनजीटी की जो है पुणे में है, थर्ड सहयोगात्मक पीठ एनजीटी की कोलकाता में है, फोर्थ सहयोगात्मक पीठ एनजीटी की चेन्नई में है। और इसमें अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य, 20 पूर्णकालिक सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, जिसमें कि 10 सदस्य, इसमें 10 सदस्य न्यायिक क्षेत्रों से, 10 सदस्य पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। इनका अध्यक्ष किसी विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति को भी ट्रिब्यूनल में इनवाइट कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी 1908 के तहत ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया है। इसके तहत अधिकरण की कुछ विशेष शक्तियां निर्धारित की गई हैं। उस विशेष शक्तियों में बताते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ समन जारी कर सकता है एनजीटी, उसकी उपस्थिति बाध्यता मूलक बना सकता है, शपथ पर उसका परीक्षण करना है, दस्तावेजों की खोज कर सकते हैं, हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने डिसीजन की समीक्षा कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, एनजीटी गवाहों और दस्तावेजों का परीक्षण कर सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में बंधा नहीं होगा, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। 1908 सीपीसी के तहत किसी तरीके से कैप्चर नहीं होगा, उसके अधीन बंधा नहीं होगा। ये पर्यावरण के न्याय के, प्रकृति के, प्राकृतिक न्याय के जो प्रोसीजर हैं, जो थ्योरम्स हैं, जो सिद्धांत हैं, इनके तहत ये क्या होगा, डायरेक्शनल होगा, निर्देशित होगा, ये डायरेक्टिव होगा। पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ। आवर टुडेज लेक्चर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं रिवीजन करा देता हूं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण 18th of 2010 को NGT Act 2010 के तहत NGT का गठन किया गया। ये एक सांविधिक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों का प्रभावी और तीव्र निस्तारण करना है। NGT का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसकी चार सहयोगात्मक पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। और एनजीटी में अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। 10 पूर्णकालिक सदस्य न्यायिक क्षेत्रों से और 10 सदस्य जो है पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। और इस एनजीटी का अध्यक्ष किसी भी विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति को अधिकरण में, ट्रिब्यूनल में इन्वाइट कर सकता है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत अधिकरण को सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया है। और इसके तहत ट्रिब्यूनल की शक्तियां हैं, किस तरह की शक्तियां हैं, कि किसी व्यक्ति के खिलाफ समन जारी करना, उसकी प्रेजेंस को बाध्यता मूलक बनाना और शपथ पर उसका परीक्षण करना, दस्तावेजों की खोज करना, हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना, अपने निर्णयों का रिव्यू करना, समीक्षा करना, गवाहों और दस्तावेजों का परीक्षण करना। ये ट्रिब्यूनल सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में बंधा नहीं होगा, बल्कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। ये ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सीपीसी 1908 में बंधा नहीं होगा, बल्कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा, ये कब्स नहीं होगा। किस तरह से सीपीसी 1908 के तहत किसी तरह की बाध्यता को नहीं बर्दाश्त करेगा,
बाध्यता में नहीं पता होगा, किसी तरह का बाध्यता इसके अंदर नहीं होगा कि आप सीपीसी 1908 में आप बंधे नहीं होंगे। कौन? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बंधा नहीं होगा अपितु ये क्या करेगा, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा, डायरेक्टिव बाय नेचुरल जजमेंट, डायरेक्टिव बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जजमेंट, इट इज डायरेक्टिव बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जजमेंट। वी हैव एंड आवर टुडेज सेशन एंड नाउ द वैकेंसी अपडेट्स दैट एपीएस एंड ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ यूनियन पब्लिक यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी जो लास्ट डेट है ये 11th ऑफ नवंबर तक ओपन कर दी गई है। फॉर्म आप भर सकते हैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट, और कुछ सीधी भर्तियों का फॉर्म यूपी पीएससी की वेबसाइट पर दोबारा से लिंक रीओपन हो गई है, लिंक फॉर्म भरने की एपीएस एंड मेस्क्लेमियस डायरेक्ट पोस्ट अंडर द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो विद्यार्थी एपीएस का फॉर्म मिस कर गए थे वो 11th ऑफ नवंबर तक 2023 तक एपीएस के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी इसके साथ है, उस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, राजस्थान जूनियर लॉ ऑफिसर का एग्जामिनेशन 6th ऑफ 2023 को है। इसके सारे मैसेजेस मोबाइल पर पहुंच गए हैं, जो भी जेलों के फॉर्म भरे होंगे उन बच्चों के मोबाइल पे कल मैसेज पहुंच गया होगा कि आपको जेलों का एग्जाम देना है, उसके सेंट्रल लोकेशन सिटी लोकेशन आ गए होंगे। आप आरपीएससी की जो एसएसओ आईडी आपने क्रिएट की है, एसएसओ आईडी आरपीएससी, वहां से आप लॉग इन करके सेंटर सिटी देख सकते हैं, इसके बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा 2-3 दिन पहले। आज का लेक्चर यहीं तक, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट जिस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ एनसीईआरटी पूरा हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से आत्मसात करने के लिए, विद्यार्थी के अंदर हम आत्मसात कर दें, आप भी आत्मसात करिए उसको पूरी तरीके से, याद कीजिए इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा प्रयास है कि हम यूपीएससी यूपीआरओ एआरओ यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए कटिबद्ध है, ये सारी तैयारियों में हम स्पेशली देते हैं यहाँ स्पेशलाइजेशन ऑफ यूपीएससी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्ट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा आपका महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सेशन तक, आज का लेक्चर यहीं तक, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।